हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश्वर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, एक बड़ी खबर इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। खबर क्या है ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जिस चीज़ का हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और अपने भाई लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे वो वैकेंसी निकलवाने के लिए, उसकी आज के अखबार में जो आस है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, क्या अपने शिक्षा मंत्री ने कहा है, इसमें दो तीन खबरें हैं जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। तो आपको दिखा रहा हूँ, या स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, डिटेल में मैं ये चीज़ें बताऊँगा आपको। जेबीटी शिक्षक सरप्लस हैं, कितनी बार कह ली ये बात, जेबीटी शिक्षक सरप्लस हैं, सरकार नहीं करेगी नई भर्तियाँ। तो देखो, ये एक प्रकार का खिलवाड़ है, कोर्ट ने भी कह दिया है, फिर भी इस तरह की बातें। अब मैं इस ये वीडियो आपको डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ किसने क्या कहा है। दो तीन खबरें इससे निकल कर आई हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ हम देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कॉर्पल गुजर जी ने क्या कहा है कि भाई शिक्षा विभाग के पास अभी जेबीटी टीचर के पद रिक्त नहीं है, वर्तमान में अनुपात इतना है, छात्र 130 है जो रेशो है, ऐसे में नई भर्तियाँ निकालने का फिलहाल सवाल नहीं उठता। ठीक है, जो संघर्षरत युवा हैं उनको ये समझना होगा, ये बात उन्होंने कही है। ठीक है, और भविष्य में यदि जेबीटी शिक्षकों की ज़रूरत महसूस होती है तो सरकार इन पदों के लिए ज़रूर भर्तियां निकालेगी। ठीक है, तो ये एक दुखद बात है, क्योंकि लंबे समय से अपने दोस्त इसमें संघर्ष कर रहे हैं। जब अपने प्रधान जी की बात हो, काफ़ी इसमें संघर्ष किया जा रहा है, तो ये चाहे ट्विटर की बात है, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह। तो ये एक इसमें और भी हम इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक इसमें महत्वपूर्ण बात और है, जो कि जेबीटी जिन्होंने एसटेट क्लियर कर लिया था, ठीक है, उनके लिए ये खबर है कि भी हरियाणा में जेबीटी स्कूल की भर्ती के लिए एसटेट की परीक्षा क्लियर करने की योग्यता अनिवार्य है, यानी 7 साल मियाद होती है। 2012 के बाद से जेबीटी की भर्ती ही नहीं निकली। ठीक है, तो इसी साल 16 जुलाई को करीब 11,025 एसटेट जो युवा पास हैं उनका जो एसटेट है उसकी मान्यता ख़त्म हो जाएगी। तो वो लोग जिन्होंने कभी ट्राई करके ही नहीं देखा, जो मैं उनके लिए बड़ी दुखद घटना है। ठीक है, क्योंकि उनके जो कागज़ हैं फिर वो रद्दी के समान उनकी कीमत रह जाएगी। तो ये दो तीन बुरी खबरें आज निकल कर आई हैं। कौरपाल गुर्जर जी ने स्पष्ट मना कर दिया भी देर इज़ नो न्यू रिक्रूटमेंट नाउ, कि कोई भी नई भर्ती अभी नहीं होगी। तो ये खबर है अपने सारे युवाओं के लिए, जो कि दुखद खबर इसको मानता हूँ। और भाई ये विद प्रूफ है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, अमर उजाला में दोस्तों देख सकते हो कहीं, भाई मैं ऐसे किसी को गलत खबर अपने पास से नहीं बना सकते, और व्यू लेने के लिए या घुस वॉचिंग टाइम बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो ये अमर उजाला की खबर है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और आज की खबर है। तो इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।